देखिए मैरी गोल्ड की फ्लावरिंग का टाइम आ गया है। ये देखिए मैंने कितने सीड से कितने ढेर सारे ये उगाए हैं, मिर्च के पेड़ ये सारे मैंने सीड से ग्रो करे हैं। इसमें कम से कम 30 से 35 प्लांट ऐसे ही ग्रो हो गए। ये देखिए अब ये थोड़े से और मैच्योर हो जाएं तब इनको नए पॉट में लगा सकेंगे हम। जब ये दूसरे गमले में लग जाएंगे ना तो बहुत ही खिल के खूब ज़्यादा से मिर्च हमें देंगे। काफ़ी सारे हैं ना गाइस, कहते हैं कहीं कहीं पे बीच बीच में हमें ये लहसुन की कलियां लगा देनी चाहिए, पेड़ों के लिए और भी जो प्लांट्स होते हैं ना उनके लिए अच्छा होता है, क्योंकि ये एक स्मेल सी छोड़ता है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़ा पास नहीं आते, प्लांट बहुत ही खेलते रहते हैं जैसे इन प्लांट्स होते हैं। इसीलिए ये लहसुन की कलियां इधर उधर लगा देनी चाहिए जिसमें भी हम ये सब लगा रहे हैं। अब इसकी वजह से देखिए कितने सुंदर से लग रहे हैं। अभी देखिए मैच्योर नहीं हुए, थोड़े से मैच्योर हो गए, उसके बाद इनको दूसरे प्लांट में जब लगाएंगे ना, दूसरे गमले में मतलब, तब ये और भी अच्छे हो जाएंगे। उसी में देखिए एक धनिया निकल आई है, मेरी फेवरेट। और ये देखिए जो कि मैंने एक सीड लगाया था छोटा सा, और देखिए कितना बड़ा हो गया। और इसमें मैंने एक फर्टिलाइजर यूज़ किया है जो कि अपने घर का ही होता है, केले के छिलका। मैंने इसमें देखिए कितने ढेर सारे केले के छिलके डाले, और उसके बाद ही इतना हरा भरा ग्रो हो पाया। देखिए कितना घना,